मंदिर जाएंगे, ठीक है भाई। उधर भी मंदिर है, सारा ही घूम लिया है, कहाँ जाना है भाई? जोश आना चाहिए ना यार। चले फिर, की गर्मी लग रही है, पैसा वसूल। तो यार हरिद्वार पहुंचे हुए तो हमें काफी टाइम हो गया, खाना वगैरह हमने यहाँ बनाया, फिर खा पी लिया, और फिलहाल हमने अपना गाड़ी वगैरह जो है रेडी कर लिया। राहुल और मैं अभी जा रहे हैं हरिद्वार एक्सप्लोर करने, उसके बाद जाएंगे ऋषिकेश, और फिर अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो हम जाएंगे नीलगढ़। तो फिर हमने और इंतजार नहीं किया, अपनी बुलेट को दौड़ाते हुए तो यार वहाँ से निकल के हम आए कनखल, और यहाँ का देख लो पूरा गंगा एकदम मस्त हो रहा है। मतलब वो वाला जो भीड़ था हरिद्वार का, वहाँ से निकल के हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ एकदम बढ़िया नहा सकते हैं। मैं और राहुल आए हैं, मंदिर जाएंगे, पर उससे पहले थोड़ा स्नान करना जरूरी है, इसलिए अभी यहाँ नहाएंगे। मेरे को तो तैरना आता है पर इसको नहीं आता, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कोने में नहाना, क्योंकि ज़्यादा दूर जाएगा तो मैं अभी मतलब स्विमिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि भाई इसको सेव कर पाऊँगा। ठीक है भाई, तो यार नहा धो के तो हो गए तैयार, चले भाई फिर मंदिर। चल फिर आजा। गंगा घाट से निकल के पहले तो प्रसाद लिया, और ब्लॉगिंग फील्ड में अभी थोड़ा नया हो तो मंदिर के अंदर तो कुछ बोला नहीं गया, बट बेसिकली कनखल में काफी सारे मंदिर है। तो ये पूरा यार एरिया है कनखल का, उधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, और उधर भी मंदिर है, सारा ही घूम लिया है, काफी अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ का। तो राहुल अब कहाँ जाना है भाई? टाइम ही टाइम है अभी तो, कहाँ जाना है बताओ? ऋषिकेश। एंड यहाँ पे जो है ना भोलेनाथ का एक काफी बड़ा मूर्ति है, माता पार्वती के साथ लोग यहाँ पे फोटो वगैरह ले रहे हैं, तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। बाकी कभी भी हरिद्वार आओ तो आना इधर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रश नहीं होता, मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट है यार हरिद्वार में, आजकल बहुत ज़्यादा रश है, इधर आओगे तो एक सुकून सा मिलता है। बाकी कैसा लगा भाई यहाँ विजिट करके? सही लगा ना, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट है, मतलब ये चीज़ सही था कि यार हम हरिद्वार में नहाए नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था बैग वगैरह की सेफ्टी वगैरह के लिए, तो यहाँ आए काफ़ी अच्छा था, नहाए एकदम बढ़िया। तो अब चलते हैं भारत माता मंदिर, वहाँ घूमते फिर जाएंगे ऋषिकेश। तू यार कलाकार बंदा, भी चप्पल छूट जाता फिर तो गया। हम यार हरिद्वार में ना पूरा नंगे पैर ही घूमे हैं जब से आए हैं, तभी अभी चप्पल का हमें पता ही नहीं चल रहा है कि चप्पल पहन के आए भी हैं या नहीं, वो तो मैं मतलब अभी गाड़ी स्टार्ट किया तब सडन याद आया कि यार हम चप्पल पहन के भी आए थे, तो हो गया था काम, बट कोई ना भूल जाते हैं कभी कभी हो जाता है। फिलहाल चलते हैं भारत माता मंदिर, पता नहीं है कहाँ है क्या है, गूगल मैप का सहारा लेंगे और निकलते हैं। यार निकल तो गए, उधर बारिश हो नहीं रही थी बट इधर हमें बारिश मिल रही है भाई। राहुल क्या करें, रेनकोट पहने? हाँ, बारिश हो रही है यार, पहन लेते हैं रेनकोट, नहीं तो भीग जाएंगे, कपड़े भी हमारे पास उतने स्टॉक में नहीं है, भीग गए तो फिर कैसे घूमेंगे। चेक करो बारिश तो यार हो रही है, पहन लेते हैं, रोक ले कहीं, बाकी रेनकोट पहनते हैं यार क्योंकि बारिश हो रही है, भीग गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। ये देखो ये जितने भी बोले ये भी रुके हुए हैं कि बारिश हो रही है इसी वजह से, बोल शंकर भगवान की, उतना आवाज नहीं आया यार इनमें से, मतलब जोश आना चाहिए ना यार इस टाइम तो। हाँ जी, तो रेनकोट पहन के हो गए तैयार, अब देखते हैं बारिश हमें कहाँ रोक पाती है। चले फिर, चलो यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, भारत माता मंदिर जाना था बट यार आगे हम बहुत ज़्यादा आ गए, अब जो मैप में देख रहे हैं ना वो काफ़ी दूर दिखा रहा है बट ऋषिकेश के काफ़ी क्लोज आ गए, तो अब सोच रहे हैं भारत माता मंदिर जो है वो कल विजिट करेंगे, और फिलहाल इधर यार ऋषिकेश साइड में जिधर हम आ गए अभी बारिश नहीं हो रहा, पूरा जो रोड वगैरह वो पूरा सूखा हुआ है, तो सोच रहे भैया रेनकोट वगैरह उतार लें क्योंकि गर्मी लग रही है, तो रेनकोट उतार के उसके बाद गाड़ी चलाते हैं आराम से रिलैक्स होके। उतारो भाई, होटल ले लेंगे या धर्मशाला ले लेंगे, तो देखते हैं अभी क्या होता है।
क्या नजारा है, पहाड़ का क्या नजारा है यार, देख के मजा आ जाता है। मतलब हिल स्टेशन पे आके ना ये जो नजारा, यही देख के मजा आता है यार। पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल, क्या नजारा है भाई। तो यार हम तो चल ही रहे थे, पर अपने बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली इसका ब्रेक का ये जो पैडल है, इसको प्रेस करने पे ये लॉक रह जा रहा है। तो यहाँ से भी ठीक कराएंगे, उसके बाद आगे जा पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी डेंजर हो सकता है, इसलिए इसको ठीक कराना यार मस्ट है। तो यार बाइक तो अब ठीक हो गई है, अब इसको अगर प्रेस करो तो ये जा नहीं रहा है। अगर मैं ये पैडल प्रेस कर रहा हूँ तो वो क्विक क्विक रिस्पॉन्स करके आ जा रहा है वापस। तो अब चलते हैं आगे के सफ़र में। वो काफ़ी डेंजरस था, अगर नहीं करा तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली बात थी, तो करवा लिए काफ़ी बेटर है। तो यार ऋषिकेश तो पहुंच गए, फिलहाल हमारा जो प्लान है वो आज का यहीं पे रुकने का है। तो पहले रूम देखेंगे, उसके बाद घूमने जाएंगे। तो यार पता किए हैं 111 नंबर कह रहे हैं खाली है, देखते हैं भाई 111 कहाँ है। ऊपर आ गए हैं 111 है, इसको खोल, रूम सही होना चाहिए, ठीक है। रुकने लायक है भाई, दो बंदों का बेड वगैरह भी है, सारी चीज़ें, मैट भी है, बिछा हुआ है नीचे, मैट भी है, है सही है। खाली आज रात में तो स्टे करना है, पंखा भी चल रहा है, बेड भी लगा हुआ है नीचे, तो करें फाइनल। तो इसी को फाइनल करते हैं यार, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो देते हैं। आधार कार्ड ही चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी क्या चाहिए, देखते हैं। तो सारा चीज़ तो दे दी है यार, ये ताला के लिए मना कर रहे हैं कि हम ताला चाबी देते नहीं हैं, बाकी हमें मार्केट से वो खरीदना पड़ेगा। बाकी चेक कर लेते हैं कि यार उसका जो बोर्ड वगैरह है, सॉकेट वगैरह, वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमें चाहिए, जरूरी चीज़ें लगा के देख लें भाई। सही है, चल ठीक है यार, बोर्ड वगैरह सही है, इसी को फाइनल कर दिए। बाकी मार्केट से भी एक ताला खरीद के लाते हैं, इसको भी लगा के फिर घूमने जाएंगे। तो यार इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी अभी ऋषिकेश घूमने जाऊँगा, उसका ब्लॉग चेक करने जरूर आना है, ठीक है।